हेलो फ्रेंड्स आम पन्ना बहुत ही आम सा शरबत नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा बल्कि हर घर में बनता भी ज़रूर होगा पर हर किसी का बनाने का तरीका अलग होता है तो चलिए आज मैं अपने तरीके से शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ यहां पर हमने 300 ग्राम केरी लेकर अच्छे तरीके से वॉश कर ली है और इस तरीके से इसके डंठल निकाल दिए हैं केरी आपने हार्ड ही लेनी है तो चलिए सबसे पहले इसको बॉयल कर लेते हैं गैस पर एक कुकर रखेंगे उसमें हम दो गिलास पानी डालेंगे पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है और कैरी को भी हम इसमें छोड़ देंगे आप चाहें तो कैरी को पील करके उसके बाद भी बॉयल कर सकते हैं पर मैं इसी तरीके से बॉईल करती हूं और हाई फ्लेम पर ही आपने एक से दो विसिल इसको दिलवानी है एक से दो विसिल आने के बाद जब स्टीम खुद ही रिलीज होगी तभी हम खोल कर देखेंगे तो यहां पर दो विसिल आ गई हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इस तरीके से चेक कर लें स्टीम तो रिलीज़ हो गई है चलिए खोल कर देखते हैं देखिए कितने अच्छे तरीक, तरीके से बॉयल हुई है बिल्कुल इसके छिलके अलग हो गए हैं हमें इसी तरीके से चाहिए अगर ज़रा से भी हार्ड बॉयल हुई तो उसमें कुटलियाँ रह जाएंगी देखो कितना पल्प है इसके अंदर एक बाउल में आप सारी केरी को इस तरीके से शिफ्ट कर लीजिए और इसको कुछ देर ठंडा होने दीजिए और अब हम ये जो पानी है ना हमने जिसमें बॉयल किया था ये साफ़ है इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे इसको फैटना नहीं है तो हमने जो ये केरी ली थी ठंडी हो गई हैं और इसकी स्किन में भी बहुत सा पल्प है जिसको हम स्पून की मदद से इस तरीके से निकाल कर एक बाउल में इकट्ठा कर लेंगे और इस तरीके से आप सारा पल्प निकाल लीजिए यह ड्रिंक आपको लू से बचाता है यह भीषण गर्मी से लड़ने के लिए शरीर को तुरंत हाइड्रेट करता है और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं वाइटमन से भरपूर है और अब सारे पल्प को आप इस तरीके से इकट्ठा कर लीजिए बाउल में और ये गुठली है जो स्पून की मदद से ही निकाल लीजिए तो बेटर रहेगा हाथ से भी निकाल सकते हैं पति अभी थोड़ी गर्म है तो मैंने सोचा कि स्पून से ही निकाल लूँ और देखिए इस तरीके से आप गुटली को अलग कर दीजिए बाकी को भी इस तरीके से हम कर देंगे और ये बहुत कॉमन सा ड्रिंक है आपने ज़रूर पिया होगा और हर घर में बनता भी होगा तो यह है बाजार की कोल्ड ड्रिंक से तो मच बेटर है तो आप इस तरीके से देखिए ये सीड्स को हम बिल्कुल अलग कर देंगे और जो भी बाकी जूस है उसको भी हम इसी पल्प में मिला देंगे और अब एक हम ग्राइंडर जार लेंगे उसमें हम इसको ग्राइंड करेंगे इस तरीके से सारा पल्प आप उसमें डाल दीजिए ग्राइंडर में और साथ ही में हमने यहाँ पर ढाई सौ ग्राम शक्कर का इस्तेमाल किया है और अब ये गया भुना जीरा नॉर्मल सॉल्ट ब्लैक सॉल्ट और ये जो हमने पानी रखा था ना कुकर में उसको भी डालकर हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल हमने इसको मैश करना है ये देखिए ग्राइंड ये हो गया इस तरीके से है और अब हम क्या करेंगे हम हैंडफुल पुदीना लेंगे हमने साफ करके रखा था इसको भी डालने के बाद हम एक बार फिर से चर्न करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से क्रश्ड हो गया है आप चाहें तो इसको स्टेन भी कर सकते हैं बट मैं इसी तरीके से रखूंगी ये मुंह में आता हुआ ही अच्छा लगता है और इसको चिल्चिल्ड चिल्ड हमने सर्व करना है अब हम क्या करेंगे गिलास लेंगे उसको थ्री फोर्थ हम कैरी पना से भरेंगे आप इस तरीके से मैंने थ्री स्पून डाले हैं और अब खूब सारा हमने क्रश्ड आइस डालना है इसमें और बाकी बचे गिलास में हम पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और चिड़चिड़ सर्व करेंगे तो इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और और आपको ये ड्रिंक कैसा लगा और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं बॉटल में थोड़ा सा डालिए और जब पीना हो पीजिए ये एक वीक तक के लिए चल सकता है और स्टोर करने वाला हमने अभी बनाया नहीं वो वो चाशनी डालकर बनाया जाता है इस तरीके से आप इसको शिफ्ट कर लीजिए और जब मन चाहे थोड़ा सा गिलास में डालिए चिल्ड पानी डालिए आइस डालिए और मजा लीजिए